आज की डेट में वर्ल्ड में टोटल 500 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन्स हैं। हम इस अमेजिंग टूल पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं और हमारे फोन की बैटरी डाउन हो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। मोबाइल फोल्डर यूज करने पर रात होने तक ये डिस्चार्ज हो जाता है और हमें रात में चार्ज करना पड़ता है या फिर प्लग के पास बैठे रहना पड़ता है। पर क्या हो अगर आपका फोन ऑटोमेटिक वायरलेसली चार्ज हो जाए बिना चार्जिंग प्लग ढूंढे, विदाउट ऑल टाइम चार्जर कैरी किए बिना। तो इसका सॉल्यूशन है वायरलेस चार्जिंग, मतलब कि बिना वायर कनेक्शन के पावर सोर्स से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर सप्लाई करना। मोबाइल को वायरलेसली चार्ज करने के लिए इंडक्टिव चार्जिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसको बेटर समझने के लिए हमें इसके ओरिजिन्स को समझना होगा। 1830 में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल डिस्कवर किए। ये वो थे कि अगर कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके अक्रॉस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, यानी कि EMF। सिंपल लैंग्वेज में हम इसे वोल्टेज भी बोलते हैं। बाद में 1890 में निकोला टेस्ला ने इसी प्रिंसिपल को यूज करके रेजोनेंट इंडक्टिव कपलिंग को डेमोन्स्ट्रेट किया, जिससे कि उन्होंने इनकैंडेंसेट लाइट बल्ब को ऑन करके बताया। इंडक्टिव कपलिंग मतलब अगर हम दो कॉइल को पास पास रखकर दोनों कॉइल में फ्लो होने वाले करंट को रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर एडजस्ट करें तो दोनों कॉइल्स इंडक्टिवली कपल हो जाएंगे, मतलब कि हायर इफिशियंसी से एक कॉइल से दूसरे कॉइल में वायरलेसली पावर ट्रांसफर होगा। यही प्रिंसिपल पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्क करते हैं, जैसे कि मोटर, जनरेटर। निकोला टेस्ला के टाइम में प्रैक्टिकल वायरलेस डिवाइस बनाना इफिशियंट नहीं था, क्योंकि तब करंट को हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑक्सीलेट करने के लिए उतना एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल नहीं था जितना कि आज है। सर्किट बोर्ड की साइज बहुत ज्यादा हुआ करती थी। चलिए देखते हैं इंडक्टिव चार्जर्स मोबाइल डिवाइसेस में कैसे काम करती है। इंडक्टिव चार्जर में मेन दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑक्सीलेटर सर्किट और दूसरा ट्रांसमिशन कॉइल। ऑक्सीलेटर सर्किट में सप्लाई करंट को हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑक्सीलेट करता है। ट्रांसमिशन कॉइल कॉपर की होती है। जब इसमें ऑक्सीलेटर से पास किया हुआ अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड होती है, जैसे कि कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स, यूज होने वाले कॉपर कंडक्टर का डायमीटर, फ्लो होने वाला करंट, कॉइल का डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। रिसीवर साइड में सेम अरेंजमेंट होती है जो कि वायरलेस चार्जिंग कैपेबल मोबाइल फोन के अंदर रहती है, सिर्फ प्रोसेस अपोजिट होती है। चार्जिंग सर्किट में सेम कॉइल होती है जो कि इंडक्टिव चार्जर के रेंज में आने पर मैग्नेटिक फील्ड को पिक करती है और उसमें करंट इंड्यूस यानी कि प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट स्टेज में एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर सर्किट होता है, एंड देन स्टेबलाइजर पावर को स्टेबल करके मोबाइल की बैटरी चार्ज करता है। सर्किट डिजाइन करते टाइम ट्रांसमिशन और रिसीवर कॉइल की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी सेम रखना जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में स्प्रेड नहीं हुई है क्योंकि इंडक्टिव चार्जिंग में ट्रांसमिशन लॉसेस की वजह से हीट जनरेट होती है जो कि सेफ नहीं है। और सेकेंड रीजन ये है कि इसकी रेंज जो कि अभी बहुत कम है और इसकी इफिशियंसी भी बहुत कम है, अराउंड 60%। बट फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस होगी और हमें हर जगह वायरलेस चार्जिंग देखने मिलेंगे, कैफेज में, ऑफिस में, इलेक्ट्रिक कार स्टेशन में।